सरकार बंधुओं का तहे दिल से स्वागत, जो अपना टाइम निकाल कर आप कांग्रेस ऑफिस में आए। मेरे साथ हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन, मीडिया जो देखते हैं साहिल शर्मा जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सीनियर डॉक्टर रमाकांत खजूरिया जी और साबका काउंसलर हमारे भाई उत्तम सिंह जी, और साथ में हमारा आरिफ है गुजर नगर से। मेन जो इशू आज का है कि आपके ही माध्यम से कल जो आप लोगों ने इस बारिश में इतनी मेहनत करके जो चीज़ें आपने उजागर की, खास करके हर पेपर ने, चाहे जो हमारा प्रिंट मीडिया था चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, कि एक बारिश पड़ने से, हालांकि भी ऐसी बारिश पड़ी कि जैसे कहीं बादल फटते हैं, और आप लोगों ने कवरेज भी पूरे जम्मू अर्बन एरिया की, खास करके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एरिया की। आपके माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहता हूं सबसे पहले एलजी साहब को कि सबसे पहले इमीडिएटली मेयर और डिप्टी मेयर को शेक करना चाहिए, हटाना चाहिए, कि जिनकी वजह से कल बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा हमारे जम्मू के लोगों को, खास करके जितनी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एरिया है, या इन्हें अपनी शर्म महसूस करके खुद रिजाइन दे देना चाहिए कि जैसे लास्ट ईयर नुकसान हुआ था जम्मू के लोगों को, चाहे वो कंटोनमेंट का एरिया था, चाहे जम्मू ईस्ट का था, चाहे जम्मू वेस्ट का था, या सराउंडिंग जो एरिया हमारा था, कितना नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। इवन कि मेरे जम्मू ईस्ट एरिया के अंदर मोहल्ला मल्होत्रा में जो डाकखाना है, वहाँ एक मकान गिर गया, और या इन दोनों लोगों को, क्योंकि ये जिम्मेदार लोग हैं, अपने आप को फादर ऑफ द सिटी कहते हैं, तो शरियाम पब्लिक से माफ़ी मांगनी चाहिए। बारिश होने के बाद, बाढ़ आने के बाद, नुकसान होने के बाद आप लोगों के घर जाओ कि आप ये कहो, बहाने लगाओ कि भी लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है या कुछ किया हुआ है, लेकिन पिछले 7 बरस से, 2014 से लेके आज तक ये लोग सत्ता में हैं, चाहे दिल्ली के अंदर चाहे जम्मू के अंदर, तो उनको पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए, और जितना नुकसान उठाना पड़ा हमारे कंटोनमेंट के एरिया के लोगों को, या जम्मू शहर के, पुरानी शहर के, या जम्मू वेस्ट के, उसकी भरपाई मेयर और डिप्टी मेयर को करनी चाहिए। और उसके बाद सेकेंड इशू ये आता है कि जो स्मृति ईरानी ने कल जिस तरीके के साथ हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा पार्लियामेंट के अंदर जो सलूक किया, और खुद स्मृति ईरानी पार्लियामेंटेरियन है और मिनिस्टर हैं, और जो भद्दा बिहेव किया उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद पार्लियामेंट से जब बाहर निकले, क्योंकि ये बहुत बुखलाई हुई है, उसका कारण एक, आप लोग पत्रकार बंधु जानते हो कि पिछले दिनों जो गोवा के अंदर एक जो बड़े बड़े फेमस है फूड ब्लॉगर है, वो फूड ब्लॉगिंग करते हैं, तो उन्होंने गोवा में जाके भिन्न भिन्न पूरे हिंदुस्तान में घूमती कि भी खाना कहाँ कैसा है, कैसा खाना नहीं, और जब मीडिया में आया तो उस ब्लॉगर का जो ब्लॉग आया कि जिसमें दिखाया गया कि स्मृति ईरानी की अपनी बेटी उसके रेस्टोरेंट के अंदर, पहले तो निकला कि वो रेस्टोरेंट उसके नाम का नहीं है, जो हमने मीडिया के माध्यम से जो देखा हम लोगों ने और जो सुना, फिर वहाँ पे खुद को गौ भगत कहते हैं ये, हम भी कहते हैं गाय हमारी माता है, तो वहाँ ऐसा ऐसा मांस परोसा जाता है, शर्म तो उन लोगों को आना चाहिए, वो बुखला गई थी पिछले 5-6 दिन से। उस बुखलावट में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक हमारी सीनियर नेता हैं, वो देश की, और वो ऐसे परिवार की बहू है जिसने अपनी कुर्बानियां दी हैं इस देश की, देश के लिए,
एक बहू है, एक पत्नी है शहीद की, और इस तरीके से बोलना उनको शोभा नहीं देता भाजपा के लोगों को। और मुझे कल मैं जब देख रहा था न्यूज़, मुझे अपने आप में शर्म महसूस हो रही कि ये पार्लियामेंट का हाल है। लोकसभा के अंदर जिस तरीके से वो बोल रही थी, क्योंकि वो बुखलाहट में थी कि वो खुद पता चल रहा था कि उसकी बेटी पिछले कई दिनों से जो निकला उसकी बेटी ने, उसने क्या शराब परोस रही है उसकी बेटी, और अपने आप को बड़ा महान समझते हैं ये लोग, राम भगत समझते हैं, और इल्लीगल बिजनेस ऐसा नहीं करना चाहिए। और स्मृति ईरानी को सोनिया जी से माफ़ी मांगनी चाहिए, मेरा यही कहना था आप लोगों से। और खास करके ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो हालात हो गए हमारे जम्मू कल जो हुए, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा नुकसान उठाना पड़ा था। और हमारी यही डिमांड है कि मेयर और डिप्टी मेयर को रिज़ाइन देना चाहिए या गवर्नर साहब को इनको हटाना चाहिए। क्योंकि आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर को रिज़ाइन करना चाहिए, वहीं आपने कहा कि उनको पब्लिक के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। देयर इज अ डबल स्टैंडर्ड, देयर इज नो डबल स्टैंडर्ड। माफ़ी इसलिए मांगनी चाहिए कि जो नुकसान उठाना पड़ा लास्ट ईयर भी इन लोगों ने कहा था कि हम लोग कुछ नहीं होगा आने वाले समय में, जो स्मार्ट सिटी बनेगी। अब मुझे बताइए कि ये स्मार्ट सिटी का अगर हाल है तो क्या होगा इस जम्मू कॉरपोरेशन का। माफ़ी मांगनी चाहिए और रेजिग्नेशन भी देना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई, हम नहीं संभाल सके जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मेरा ये कहने का। योगेश जी, जहाँ पर स्मार्ट सिटी को लेकर अगर देखा जाए तो कई ऐसी रोड्स हैं जहाँ पर काम की जरूरत नहीं थी, फुटपाथ्स हैं, वॉकवेज हैं, जहाँ पर काम लगाया जा रहा, हालांकि वहाँ पर काम इतना प्रायोरिटी बेस पे नहीं करना चाहिए था। जहाँ पर अभी बरसात की वजह से जहाँ देखा हमने कि कल आधा जम्मू जो है वो पानी में दिख रहा था, और कई लोगों के घर की नींवें तक जो है वो नालों के बेंच जहाँ पर नहीं बनाए गए हैं या उनके बंस नहीं बनाए गए हैं, उस वजह से कई लोगों के घर तक जो है उनकी नींवें जो हैं वो हिल चुकी हुई हैं, और अगर एक बरसात और आएगी तो उनका घर जो है वो भी शायद पानी में बह जाएगा। तो क्या इसका जिम्मेदार जो है वो जेएमसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और जब कॉरपोरेटर मेयर साहब से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जम्मू में एक बड़ा बादल फट गया था जिसकी वजह से यहाँ पर जो है पानी का बहाव जो है वो ज़्यादा। देखिए, कोई बादल नहीं फटा, ये अपनी नाकामियों को अपनी कमजोरियों को छुपाने की बात है। जैसे आपने कहा कि भी मैं खुद पिछले दिनों ओल्ड सिटी में गया था वार्ड नंबर 1, और मैंने वहाँ लोगों की डिमांड थी खास करके शॉपकीपर्स की, अगर आप ओल्ड सिटी में जाएं तो बहुत देखें कि बड़ी नैरो जो है हमारी वहाँ की रोड्स हैं। जैसे आपने कहा कि उस रोड्स में देखें कि जहाँ फुटपाथ की ज़रूरत नहीं वहाँ फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, इससे स्मार्ट सिटी तो नहीं बनेगी। ये लोगों ने लाखों रुपये खर्च करके एक बार भोपाल गए थे, मैं भी पिछले दिनों भोपाल गया था, कांग्रेस की पहले सरकार थी, आज देखिए भोपाल का नक्शा, उसको स्मार्ट सिटी कहते हैं। स्मार्ट सिटी फुटपाथ बनने से स्मार्ट सिटी बनती है। पहले आप ये देखिए कि जैसे कल ब्लॉकेज हो गए पूरे ड्रेन्स की, अपना बड़े बड़े नालों की, आपने उनका निकासी का क्या किया, उसका कोई तैयारी नहीं की लोगों ने, लेकिन खाली अब होर्डिंग लगा के कि स्मार्ट जम्मू स्मार्ट सिटी, उससे काम चलने वाला नहीं है। ये सबसे बड़े कसूरवार खुद मेयर और डिप्टी मेयर हैं, इनको रेजिग्नेशन देना चाहिए, पब्लिकली लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई, हम इसको नहीं सुधार सकते। योगेश जी, एक सवाल और करना चाहूँगा, जहाँ पर अधीर रंजन ने ये अपना वीडियो भी जारी करके ये माफ़ी मांगी है उन्होंने कि मेरी स्लिप ऑफ टंग हो गई है, क्या लग रहा है कि जो ये बीजेपी इस समय जो मुद्दा